नमस्कार, घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सानिया जी। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की तरफ। मनमोहन सिंह पे बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने थिएटर्स में खूब धमाल मचा दिया। आइए जानते हैं इसका पहला रिव्यू। संजय बारू की विवादास्पद पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर केंद्रित फिल्म बहुत प्रभावी रही। आज 9:15 बजे इसका प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। फिल्म का पहला शो देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल के विवादों और अंदरूनी स्थितियों को इस फिल्म में बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह के चरित्र के साथ किताब के अनुसार ही न्याय किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री से बेहद प्रभावशाली प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उनके दूसरे टर्म में किस तरह से हालत बिगड़ते चले गए और कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें बलि का बकरा कैसे बनाया गया। फिल्म में ये भी स्पष्ट किया गया है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें बाद में मोनी सिंह कहा गया था, वे वैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई बार पार्टी और परिवार की मर्यादा के लिए अपने आप को पीछे हटाया और यही उनकी सफलता की वजह भी रही। फिल्म में ये बताया गया है कि किस तरह से सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो हालत पैदा हुए उसमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाया गया। उसके बाद ये माना जा रहा था कि वे कठपुतली प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे मनमोहन सिंह ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और उनके कई फैसले जो पार्टी को पसंद नहीं थे उनके बारे में भी इस फिल्म में विस्तार में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।